होक सीट पर बैठे शख्स की बातें सुनकर रो पड़े अमिताभ बच्चन। कंटेस्टेंट बोले, पैसे की बहुत जरूरत है सर। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखेगा। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति सीजन 14 के जरिए इन दिनों टीवी पर दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन के क्विज शो में इस हफ्ते कई बच्चों को भी होक सीट पर आने का मौका मिला, लेकिन अब एक बार फिर युवा लोगों के साथ शो आगे बढ़ चुका है। लेटेस्ट एपिसोड में होक सीट पर कंटेस्टेंट हर्ष कुमार ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान उन्होंने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाकर बिग बॉस को भी भावुक कर दिया। हर्ष ने अमिताभ बच्चन से कहा कि उन्होंने होक सीट संभाली है ताकि वे जीत कर रकम का इस्तेमाल अपनी पत्नी के इलाज में कर सके। ये कहते हुए वे अपनी स्थिति को समझा रहे हैं, क्योंकि किडनी एक्सचेंज आसान नहीं है, इसमें बहुत अधिक खर्च की आवश्यकता होती है। बिग बी ने भी अपनी पत्नी के इलाज के लिए आवश्यक राशि जीतने की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, सर हम सभी ने अपने जीवन के साथ कुछ ना कुछ करने की योजना बनाई है। कई बार हम सफल होते हैं और कई बार हम सफल नहीं होते। मेरी शादी के एक साल बाद ही मेरी पत्नी को क्रोनिक किडनी का रोग का पता चला और मूल रूप से किडनी उसकी फेल हो रही है। हर्ष ने आगे कहा कि इस महीने की 19 तारीख को उनका ट्रांसप्लांट हुआ था। इलाज के लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है और किसी तरह मुझे लगता है कि केबीसी एक ऐसा मंच है जहां हम अपने ज्ञान की शक्ति से अच्छी रकम जीत सकते हैं, अपने जीवन के साथ कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वे अपनी जीत की राशि को अपनी शिक्षा पूरी करने में निवेश करना चाहते हैं। व्यूअर्स, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? से तो किसी की बीमारी का सुनकर हम सब ही दुखी हो जाते हैं। बिग बी भी दुखी हो गए थे। आप किसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा।